तुम्हार तुम्हार भीड़ देखी है मैं अनजाने हो तुम जो बेगाने हो तुम जो पहचाने लगते हो क्यों ये मासी के देख के हमारे को भासी पाए बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं लेते हम तो बच्चे हैं अभी इस टाइम पे सिंगर हो सिंगल हो अरे सिंगर हो, सिंगर हो।, सिंगर हो। तो गाना गा दो हमारे लिए कोई अब स्ट्रीम कर रहे अभी यहाँ ये जो प्लेटफॉर्म है ना ये प्लेटफॉर्म में थोड़ा प्रॉब्लम है स्ट्रीम करना आप जानते हो वो क्यों है <laughs> अगर स्ट्रीम कर दूंगा ना कंपनी वाले घर पे लोग भेजेंगे मारने के लिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी कुछ भी कर सकता है एक सेकंड के भीतर एक सेकंड बहुत होता है अपने चैनल को बंद करने के लिए बहुत होता आ, है वो रिस्क नहीं लेना बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं लेते हम तो बच्चे हैं अभी इस टाइम पे आप चैनल तो है लेकिन मैक्सिमम uh, टाइम इस तरीके का वीडियो नहीं देता हूँ नॉर्मली मैं गाना वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ और जब कभी ऐसा कोई कंटेंट नहीं मिलता है जहाँ पे कौन सा गाना गाऊ क्योंकि मैक्सिमम गाना कॉपीराइट के क्षेत्र में आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है ना टी सीरीज हो चाहे टिप्स हो तो कॉपीराइट हो जाता है मैक्सिमम गाना तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ ओमेगल में थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेता हूँ क्योंकि अपने कभी तो थोड़ा कंटेंट डालना होता है कोई भी हो कोई दूसरा कुछ तो नहीं दे सकते ना भोजपुरी गाना भाई नहीं गा पाते हैं क्योंकि उसमें जो मसाला है ना वो अपने अंदर है नहीं भाई सच्ची में बोल रहा हूँ जितना चमक धमक मसाला होता है ना वो नहीं है भाई भी कोई भी चलेगा ठीक है good you have also the condenser mic i think and the xlr cable also yeah, yeah i sing do you have uh, your recording studio oh wow no i, I just sing i sing okay can you please sing for me okay um and uh, basically where are you from Thank you with that I can't hear a minute give me a my one. you played right now on the synthesizer Oh that was a backing track. okay back in track I I hope uh, you uh, you're not able to understand the language in India. that's okay. I don't mind. okay the song is uh, basically for the night in India the okay. song said okay that is the main okay. thing a naked vocal I don't have an instrument like this. <laughs> রাত তোমার কাঁধে আমার নিঃশ্বাস আমি বেঁচে আছি তোমার ভালোবাসায় ছুঁয়ে দিলে হাত আমার বৃদ্ধ বুকে তোমার মাথা চেপে ধরে টলছি কেমন নেশায় কেন যে কলি পাখার ব্লেডের তালে সোজি কথা বলি আমি ভাবতে পারিনি তুমি বুকের ভেতর ফাটছ আমার শরীর জুড়ে তোমার প্রেমের বীজ

Okay, okay, okay. okay, okay. दे दे मुझे तेरे पास कहीं रह जाऊ में खामोशिया तेरी सुनो और दूर कहीं ना जाऊं अपनी खुशी दे के मैं तुझे तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं मिला जो तू यहाँ मुझे इतना चाहता हूं मैं तेरी जगा दे दे मुझे तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं प्रोफेशनल सिंगर हो भाई नहीं भाई प्रोफेशनल तो अभी हो नहीं पाया पैशन को ही फॉलो कर रहा अच्छा अच्छा आपकी आवाज बहुत अच्छी है बाय द वे

तुझसे मेरा रिश्ता है क्या अजनबी अपना मुझे रिश्ता है क्या हर अजनबी अपना मुझे तू लगा क्या बात है नाइस आप मतलब गाती हो ना लग रहा है ऐसा मैंने नहीं, सीखा नहीं है मतलब ऐसे ही घर में गाती हूँ पर अगर मुझे ये नहीं पता ना कि ये गाना जो कौन सा स्केल नहीं गाना? मैंने वो जो सोनी टीवी पे एक सुपरस्टार सिंगर वाला था उस पर मैंने ऑडिशन दिया था तो मतलब मैंने एक गाना गाया उसपे तो उन्होंने पूछा इसका स्केल क्या है तो मैंने कहा मुझे भी नहीं पता क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है इस चीज का तो बस उसमें ही रह गया था जी मैं भी 2016 में एक बार ट्राई कर चुका हूँ सारे गापा जो जी टी बी वाला था उस टाइम पे उस टाइम पे कोलकाता में मैंने ऑडिशन देने गया था उस टाइम पे तीन राउंड में मैंने पास हो गया था उसके बाद जाके वो वही थ्योरी वाला चीज़ आ गया ना कि स्केल में कौन सा कौन सा लय है कौन सा ताल है कौन सा सुर है कौन सा ग्रामेटिकल जो चीज होता है सर मुझे लगता है कि उन लोगों को ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए क्योंकि जो आते हैं वो जरूरी नहीं उनकी आवाज़ अच्छी जी, है तो तो उन्हें पता ही हो वो तो उनका है ना कि उनको सिखाना चाहिए जी ये तो हमारा भी यही मानना है कि हमें अगर पता नहीं है इसी के रिगार्डिंग हम जा रहे हैं हमें पता नहीं हमें, पता। हमें अगर पता होता तो हम थोड़ी उस जगह पे जाते हैं हाँ 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 आप मतलब अपने मन का भी जितना भी बोलो वो पता नहीं क्या बोलते उसमें आए जो तेरी यादें

रुवनारी मनहारी सुकुमाली नुबतुमा ऐसा कुछ वेरिएशन एक लाया था मेरा बंगाली वर्जन जो गाना है क्योंकि ये गाना जो है थोड़ा डाउन स्केल में ये स्टार्टिंग कहाँ से इसकी मन के मगे हिते गुथुए नो है गुम्यावी सीही बेबी माँ इतना गमा देवतना और रुपए मक पे ठलना कुछ देख रही थी तो अचानक से उसमें यूट्यूब तो हो, हो जाता आज दो तीन दिन से बहुत ज्यादा ओमेगल का वो देखने के बाद क्रेजनेस बढ़ जाता है यार ये लोग यही कर रहे हैं हम क्यों मतलब पीछे रहे और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ क्योंकि अः अभी क्या होता है दो चार दिनों से मतलब बहुत ज्यादा वो आफ्टर ड्यूटी अभी को साढ़े दस ग्यारह तक ड्यूटी रहता है मेरा फ्रॉम होम तो अभी इसी सिस्टम पे मैं बैठा रहता हूँ उसके बाद सोचता हूँ यार 24 घंटे में खुद को अगर एक दो घंटे ना दो तो लाइफ में क्या किया वो टाइम सिर्फ आप खुद को दो तो मैं इसीलिए यहाँ पे आ जाता हूँ लोगों से बात करता हूँ मज़ा आता है फॉरेनर से अभी बात कर रहा था मैं एक फॉरेनर सिंगर आ गए थे वो यहाँ पे कुछ बालिया पहना है यहाँ पे बालिया अरे

नहीं जाना चाहिए किसी को भी यार देखिए मैं सब्सक्राइब आप... मैं वो भी कंपटीशन की तैयारी कर रही थी नीट नहीं।, नहीं मतलब इतना कुछ मैं कहीं गई नहीं ना अभी आउट ऑफ कंट्री कहीं नहीं गई अपने एरिया से भी कहीं नहीं दूर गई सर्दी शायद लग रहा है आपके वहाँ पे नहीं सर्दी तो नहीं है इतनी अभी तो गर्मी ही पर, पर अपने। अभी अभी थोड़ा गर्मी पड़ चुका है अभी पिछले दो चार दिनों से थोड़ा ऐसा लग रहा है की मतलब मफलर पहनने से या फिर स्वेटर पहनने से थोड़ा गर्मी ज्यादा लग रहा है आप कहा बंगाल अच्छा मैं बंगाली बंदा हूँ

आप ये जो है मिक्स पैट मल्टी ट्रैक मिक्सर इसको इस्तेमाल करो और म्यूजिक के, के? मतलब हाँ, मतलब... तो तो के लिए मैं एक आपको ग्यारह साल से सा यूट्यूब ग्यारह साल नहीं अभी बारह साल हो चुका है ठीक है मुझे कोई शर्म नहीं है यूट्यूब पे अभी तक मैं अनसक्सेसफुल इस महीने पूरा हुआ क्योंकि मैं इरेगुलर हूँ वन के सब्सक्राइबर है जी अभी हुआ है तो मैंने टू थर्टी सेवन एक है उस हाँ वो केशव इन क्रिएशंस है वहाँ पे मैं व्लॉग वगैरह डालता हूँ और एक है वहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग वगैरह करता हूँ आपने देखा होगा अगर यूट्यूब पे वीडियो देना है कराओ के कवर्स या फिर कुछ भी हो तो आप एक चीज़ नोटिस करना मैक्सिमम गाना जो होता है वो कॉपीराइट होता है कॉपीराइट आओगे तो मतलब चैनल ग्रोथ होने में प्रॉब्लम हो जाएगा चैनल रिकमेंड नहीं करेगा इसके रिगार्डिंग एक मतलब बहुत सारा ऐसा वेब चैनल है जहाँ पे कराव के फ्री में मिलता है आपको अनप्लग्ड वर्जन समझ रहे हो जिसमें म्यूजिक बहुत कम होता है या फिर एक सिंपल सिंथेसाइजर के ऊपर वो पूरा गाना है लो स्केल में होता है ऑक्टिव लो ऑक्टिव में होता है या फिर ऐसा होता है जो गाना अंतरे से शुरू होता है जो बीच वाला अंतरा होता है ना जो बीच वाला होता है गाना कहीं कहीं गाना वहाँ से शुरू होता है तो यूट्यूब का एल्गोरिज्म जो है उसको पकड़ नहीं पाता ये उस कंपनी का गाना है तो वो पकड़ में नहीं आता और ये कॉपीराइट से बच जाता है मैंने बहुत सारा गाना अनप्लग्ड वर्जन डाला है अभी तक कॉपी राइट नहीं मिला मुझे अनप्लग्ड वर्जन है कराओ के गाने का नाम लिखो उसके बाद कराव के लिखो उसके बाद लिखो अनप्लग्ड उसके बाद सुन के देखो वो गाना का लिरिक्स आएगा ना उसके उस पर आपको सुन के पता चलेगा उसका ऑक्टिव uh, क्या है लिखा हुआ होगा कभी कभी लिरिक्स भी आपको शो करेगा तो उस तरीके का गाना का जो है इस जो एप्लीकेशन मैंने आपको वाला मल्टी ट्रैक वाला उस पर आप डालो डालने के बाद आप शेयर करो लेकिन बेहतर होगा अगर आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होता है क्योंकि ये वोकल मिक्स एंड मास्टरिंग जो भी प्रोसेस आफ्टर रिकॉर्डिंग जो भी प्रोसेस्ड होता है मेरे लिए ऐसा है कि पहाड़ तोड़ना कौन सा गिटार बजाना नहीं।, नहीं मैं आपको एक सीधी ट्रिक बताता हूँ हम जब बचपन में जब मैं साइकिल चलाना सीखता था उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझे ये गाइड किया था बेटा साइकिल चलाने से पहले साइकिल को पहले गिर जाए तो उसको उठाना सीख उसके बाद उसको पैदल ऐसे रिंगते हुए उसको मतलब ऐसे उस उस पर ना बैठ के साथ ही साथ उसको भी चला के चला के सीख उसका जो बैलेंस है उसको सीख उसके बाद जाके कैरियर जो है कैरियर पे बैठ के रस्ते को ऐसे ऐसे जैसे वो नाव में वो चलाते हैं ना वैसे रस्ते को ऐसे ऐसे करते बैलेंस सीखना सीखा उसके बाद जाके डायरेक्ट फुल पेटल हाफ पैटल कभी नहीं सीखा ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या होता है गिटार बहुत बड़ी समस्या नहीं है मुझे भी लगता था मैंने लाइफ में एक ही ख्वाहिश था उस टाइम पर कि मुझे गिटार सीखना था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे और जब पैसा आया उस टाइम पे मुझे गिटार का कुछ भी नहीं पता था तो मैं और मेरा एक दोस्त डायरेक्टली चला गया एक इंस्ट्रूमेंट शॉप पे वहाँ पे जाके मैंने बोला कि भाई एक काम करो दो गिटार दे दो दोनों के लिए तो हमें पता नहीं था कौन सा गिटार अच्छा है कौन सा बुरा है कौन सा क्या क्या देखना होता है तो गिटार लाने के बाद तकरीबन दो साल लग गए गिटार को ठीक तरीके से पकड़ने में हाँ ये मेरा भी गलती था कि मैंने गिटार को जब ऐसे ही दीवार पर टंगवा टवा के रख दिया था अगर गिटार दीवार पे टंगवाने के लिए लेना चाहते हो मैं बोलूंगा, मत लो। तेरी नज़रों ने दिल का किया जो हशे असे हुआ अब इन में ही डूब के हो जाऊं पर यही है दुआ तो मैंने इसको गाते ही मतलब गिटार बजाया था गलत ही था बजाया था मगर मैं रिकॉर्डिंग की थी उसकी मेरे पास अभी वीडियो नहीं है वो वाला बहुत सही बजाया था मतलब मतलब मुझे आता नहीं था मैंने उसकी स्ट्रिंग्स भी पकड़ी नहीं थी बस मैं उसको बजा रही थी दो साल से ट्राई कर रहा हूँ जिस एरिया में रहती हूँ उस एरिया में बात नहीं करती क्योंकि मुझे सामने सामने बात करना नहीं अच्छा लगता लोगों से ऑनलाइन इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है इसलिए मतलब मैं बहुत ज्यादा ट्राई करती थी कि मैं किसी से सीखूं कुछ ऑनलाइन क्योंकि मुझे सामने तो समझ मैं नहीं आता टीचर नहीं है। नहीं माफ करो मैं टीचर नहीं हूँ माफ़ करो मैं टीचर नहीं हूँ मैं दोस्त की तरह समझा सकता हूँ लेकिन मैं टीचर नहीं हूँ उसदे पे मत बिठाओ मुझे क्योंकि मैं उस हूं नहीं भाई। सीधी लेकिन आपको अगर इस गिटार गिटार सीखना है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ सिखाने के लिए खास है नहीं उतना कुछ खास नहीं है उतना, उतना पहाड़ नहीं है लेकिन आपको ना वो मैंने जैसे कहा साइकिल चलाने से पहले पहले साइकिल को बैलेंस करना सीखना चाहिए। वैसे ही, ये भी वैसे ही है, मतलब, है। रिकॉर्ड करो, करो, no नहीं, नहीं कर रही हूँ दूसरा फोन है ना उसमें अच्छा, अच्छा। थोड़ा सा है तो। इसलिए। अगर आपको एक्चुअल में सीखना है आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो लेकिन हाँ वो इच्छा मन में डालते हैं क्या आप नहीं कहेंगे तो काट देंगे ये भी रिकॉर्ड हो रहा है वैसे मैं नो, मैं काट दूंगा प्रॉब्लम प्राइवेसी का ख्याल रखता दीदी से कहा, से हो हो आप आप क्यों भाई बोल 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 की बोल बोल Creator, 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 तो देखे 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 तो क्या चीज क्रिएटर 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 ये ठीक है

তোমার কাঁধে আমার নিঃশ্বাস আমি বেঁচে আছি তোমার ভালোবাসায় ছুঁয়ে দিলে হাত আমার বৃদ্ধ বুকে তোমার মাথা চেপে ধরে টলছি কেমন নেশায় কেন যে অসংকোচে অন্ধ গানের কলি পাখার ব্লেডের তালে সোজাসুজি কথা বলি আমি ভাবতে পারিনি তুমি বুকের ভেতর ফাটছো আমার শরীর জুড়ে তোমার প্রেমের বীজ আমি থামতে পারিনি তোমার গালে নরম দুঃখ আমায় দুহাত দিয়ে মুছতে দিও প্লিজ কেশবদা কেশবদা হুম হ্যালো শোনো না গো বলছি তুমি তো ইনস্টাগ্রামে আছো না আছি

ইদানিং একটু গরম পড়েছে চল এই ভিডিওটা দেখতে পেয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি এটি আশা করছি এই মাসিকে দেখে আমার খুব হাসি পায়